प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर से मैं आप लोगों को बहुपद इस समय पढ़ा रहा हूँ। बहुपद में आज हम लोग गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि गुणनखंड क्या है या गुणनखंड किसे कहते हैं। चूँकि इस समय प्रश्नावली 2.4 चल रही है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के प्रश्नों को बता दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो अर्थात प्रश्न संख्या 4 में बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हम लोग यह सीखेंगे कि ये गुणनखंड क्या होता है या गुणनखंड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा आज समझेंगे। गुणनखंड नाम क्या है? गुणनखंड, जिसे अंग्रेजी में फैक्टर भी कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक बहुपद व्यंजकों का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणामी बहुपद व्यंजक गुणन या गुणनफल कहलाता है। एवं जिसका आपस में गुणा किया जाता है वे गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार आप पुनः समझिए कि जब दो या दो से अधिक बहुपद व्यंजकों का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणामी बहुपद व्यंजक गुणन या गुणनफल कहलाता है। एवं जिसका आपस में गुणा किया जाता है वे गुणनखंड कहलाते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यक्स प्लस वन में यक्स प्लस टू से क्या किया? गुणा। यक्स प्लस वन में यक्स प्लस टू से क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करने पर जो गुणनफल आवेगा, अर्थात गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो गुणनफल कहलाएगा, और जिनका हम गुणा आपस में किए हैं वे गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे अगर हम यक्स प्लस वन में यक्स प्लस टू से अगर गुणा करें तो गुणा करने पर इसका आंसर क्या आएगा? जब यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यक्स का वन में गुणा करेंगे तो वन यक्स आएगा, अब दो से गुणा यक्स में करेंगे तो प्लस टू यक्स आएगा, अब प्लस दो से गुणा एक में करेंगे तो दो आएगा। इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस दो एक, तीन यक्स प्लस दो।
तो देखिए इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमें प्राप्त हो गया। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू प्राप्त हुआ, ये हमारा गुणनफल है। बोलो ये क्या है, गुणनफल। ये हमारा क्या है, गुणनफल है। और ये गुणनफल किसकी सहायता से मिला, तो ये गुणनफल हमको मिला है यक्स प्लस वन गुणे यक्स प्लस टू का गुणा करने पर मिला है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, गुणनखंड, गुणनखंड। तो सीधी सी बात है कि आप लोग गुणनखंड की परिभाषा समझ चुके होंगे कि जब दो या दो से अधिक, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो का ही आपस में गुणा किया जाए, दो या दो से अधिक बहुपद व्यंजकों का जब आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणामी बहुपद व्यंजक गुणन या गुणनफल, चाहे उसको गुणन कहिए या गुणनफल कहिए, तो गुणन या गुणनफल कहलाता है। एवं जिसका हम या जिनका आपस में हम गुणा करते हैं वे गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हमने यक्ष से गुणा कर दिया यक्ष प्लस थ्री में, तो यक्ष से गुणा करने चल रहे हैं यक्ष प्लस थ्री में ना, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, गुणनफल क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स जो है ये हमारा गुणनफल है, चाहे इसको गुणन कहिए या गुणन फल कहिए। और ये जो गुणनफल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्राप्त हुआ, ये किसी का आपस में गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो जिसका जिसका आपस में गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है वे गुणनखंड कहलावेंगे। तो जैसे हमने यक्ष से जब यक्ष प्लस थ्री में गुणा किया तब इतना आया ना, तो ये जो यक्ष और यक्ष प्लस थ्री है ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। यक्ष इंटू यक्ष प्लस थ्री ये क्या है, ये गुणनखंड है। और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स गुणनफल है। तो प्यारे बच्चों आप लोग गुणनखंड की परिभाषा रटिए, इसको दो तीन बार समझिए, रटिए कि जब दो या दो से अधिक बहुपद व्यंजकों का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणामी बहुपद व्यंजक गुणन या गुणनफल कहलाता है। एवं जिसका आपस में गुणा किया जाता है वे गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार होगा क्या कि अब आप लोगों के सामने प्रश्न में ऐसे गुणनफल दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा, या तो इस प्रकार से दिया रहेगा, या तो इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण गुणनफल के रूप में दिए रहेंगे, गुणनफल के रूप में दिए रहेंगे। और हमें ये पता लगाना होगा कि किसका किसका गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है, अर्थात इसका गुणनखंड क्या होगा, ये बात पता लगानी होगी। तो देखिए हमारे यहाँ कक्षा 9 में वैसे तो गुणनखंड कक्षा 10 के कोर्स तक में 13 प्रकार के गुणनखंड बताए गए हैं, लेकिन कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में बस 2-3-4 टाइप के गुणनखंड बताए गए हैं। जैसे पहला गुणनखंड का जो प्रकार है उसको हम लोग कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड के नाम से जानते हैं। फिर अगला गुणनखंड है मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड ज्ञात करना। फिर है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित गुणनखंड, a माइनस बी के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप पर गुणनखंड ज्ञात करना। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुणनखंड है, उसका नाम है कि शेषफल प्रमेय के आधार पर गुणनखंड ज्ञात करना। तो कुल मिलाकर इतने टाइप के गुणनखंड आपके कक्षा 9 में बताए गए हैं, जिसमें से अगर हम प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न संख्या अगर 1 को हम देखें तो प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है, 12x² - 7x + 1। ऐसा देखो हमारे सामने एक बहुपद लिखा हुआ है कि 12x² - 7x + 1। अब आप लोग देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये गुणनफल लिखा हुआ है, अर्थात कोई बहुपद लिखा है। तो हमें पता करना है
कि ये किसका किसका गुणा करने पर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आ रहा है। तो देखिए हर प्रकार के गुणनखंडों की अपनी एक पहचान होती है। तो जैसे हमारे पाठ्यक्रम में ज्यादातर इस नाम का गुणनखंड है, मध्य पद को दो भागों में बांटकर गुणनखंड ज्ञात करना, जिसको हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं, आद्यंत नाम का गुणनखंड। तो समझना है कि क्या जिस प्रश्न का हमें गुणनखंड करना है, जिस बहुपद का, क्या उसमें वास्तविक रूप में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो देखिए हर प्रकार के गुणनखंडों की अपनी एक पहचान होती है, तो उसमें से हम आपको आद्यंत नाम के गुणनखंड की एक पहचान बता रहे हैं। तो उसकी पहचान क्या है कि उस बहुपद में तीन पद होने चाहिए। तो क्या इस बहुपद में एक दो तीन पद हैं? बिल्कुल हैं तीन पद। फिर दूसरी शर्त है प्रयुक्त चर की घात दो और एक के रूप में होनी चाहिए। तो क्या प्रयुक्त चर की घात दो और एक है? बिल्कुल है। तीसरी पहचान है कि जब हम आदि और अंत का गुणा करें, तो ये आदि क्या है और अंत क्या है? आदि का मतलब जो एक्स स्क्वायर हो वो आदि है, जो यक्ष है वो मध्य पद है, इसके बाद जो बचे वो अंत है। तो जब आदि और अंत का गुणा हमने किया तो 12x स्क्वायर हम प्राप्त किए। अब 12 के चिन्ह सहित आपको गुणा करना होगा, तो 12 के ऐसे दो खंड आपको करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 12 आवे, पर अगर योग किया जाए तो 7 आवे। तो 4 तियाई 12, 4 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 7। तो इस पहचान से ये बात सिद्ध होती है कि इस दिए गए बहुपद में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। अब हम इसको आद्यंत के आधार पर इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, और जब गुणनखंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फला फला का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है। तो देखिए पहचान के आधार पर तो हमने ये पता कर लिया कि इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। अब उसको करने की क्रियाविधि भी उसको आनी चाहिए। तो उसकी क्रियाविधि क्या है कि पहले आपको आदि पद ज्यों का त्यों उतार लेना चाहिए, इसके बाद जो प्लस या माइनस का चिन्ह बीच में लगा रहे उसको नोट करना चाहिए, इसके बाद ब्रैकेट्स का प्रयोग करके ब्रैकेट्स में वही बात आपको लिखनी है जो आप पूर्व में जान चुके हैं, क्या? 4, 3। तो 4 + 3 इंटू कितना? यक्स प्लस 1। तो 12x स्क्वायर प्लस से तोड़ेंगे तो -4x -3x प्लस 1। देखिए माइनस चिन्ह से ब्रेकेट्स तोड़ने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, तो जो प्लस 4 था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और x से अंदर गुणा हो गया। अब हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पद हो गए। इस प्रकार अब हम दो दो पद में कामन ढूंढेंगे। तो कामन का मतलब क्या होता है? जो दो दो पदों में अगर आप कामन देख रहे हैं तो जो दोनों में हो वही कामन होगा। तो जैसे देखिए दोनों में 12 है और 4 है, तो आप ये ढूंढिए ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या आप ढूंढो जिससे 4 भी कट जाए और 12 भी कट जाए। तो हम 4 ही ले लेते हैं। तो अगर हम 4 लेंगे तो क्या 4 से 12 कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए 4 कामन है। अच्छा मान लीजिए अगर 4 से 4 ना कटता तो हम 4 के ऊपर ना जाते, 4 से नीचे हम 3 लाते, 3 से इस दोनों को काटते, अगर 3 से ना कटता तो फिर हम 2 ढूंढते, 2 से भी ना कटता तो 1 से कटता, लेकिन संख्याओं में प्रारंभ में एक कामन लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ 4 से 12 कट जाएगा इसलिए 4 कामन। अब देखो बीजी अक्षर इसमें यक्स स्क्वायर है उसमें यक्स, तो अब आपके सामने सवाल ये उठता है कि आप एक्स स्क्वायर कामन लेंगे या यक्स? तो आपको बीजी अक्षरों में छोटी घात सदैव कामन लेनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कामन ना लेकर हम लोग यक्स कामन लेंगे। तो जब हम 4x कामन ले लिए तो इसी 4x से जब पहले वाले पद में हम भाग देंगे 4 तियाई 12, यानी 3x बार जाएगा भाग देने पर। फिर माइनस 4x से जब इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा। फिर माइनस अब इसमें दोनों में अगर हम देखें कामन, तो पहले संख्याओं में कामन, तो देखिए संख्या इसमें 3 है और 1 है। अब 3 और 1 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 1। चूंकि 1 से 1 भी कट जाएगा और 3 से, वैसे तो हम एक कामन ना लेते लेकिन यहाँ पर एक कामन लेना मजबूरी है, चूँकि बीजी अक्षरों में भी कोई बीजी अक्षर कामन नहीं बन रहा है, चूँकि इसमें तो बीजी अक्षर है इसमें नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में भी एक कामन लेना पड़ेगा। जब हम एक कामन ले लेंगे तो इसी 1 से 3x से भाग देंगे 3x बढ़ जाएगा, ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा चूँकि माइनस चिन्ह कामन है शुरुआत में। फिर एक करना 1। अब आप देखें कि जहां आपके पास 4 पद थे अब 2 पद बन गए। अब दोनों पद में अगर आप देखेंगे तो 3x-1 आपको कामन दिखाई दे रहा है,
तो आप 3x-1 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या 4x-1। तो आप देख लीजिए कि किसका किसका गुणा करने पर ये आया होगा, तो ये आपको पता चल गया। यानी 3x-1 में जब हमने 4x-1 से क्या किया, गुणा किया, तो गुणा करने पर ये गुणनफल आया। तो अर्थात ये जो 12x²-7x+1 है ये एक गुणन या गुणनफल है, और 3x-1 × 4x-1 ये हमारा गुणनखंड आ गया, और गुणनखंड ही प्रश्न में करने को कहा है। तो ये जो मैंने आंसर ला दिया यही क्या है, गुणन है, खंड है। तो अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमने जो गुणनखंड प्राप्त किया है क्या वे गुणनखंड सही है या गलत। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर डालिए। तो कैसे गुणा करेंगे, 3x-1 × 4x-1। अगर इन दोनों का आपस में गुणा करने पर ये जो प्रश्न में ये बात जो लिखी हुई है 12x²-7x+1 अगर ये बात इन दोनों के गुणा करने पर प्राप्त हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि मेरा उत्तर बिल्कुल 100% सही है। तो हम 4x से जब 3x में गुणा करेंगे 4 × 3 = 12x² हो जाएगा, और जब 4x का 1 में गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा, और जब -1 से इन दोनों पद में गुणा करेंगे तो -3x+1 आ जाएगा। अब देखिए कि 12x² -4x और -3x दोनों ऋण चिन्ह में है, सजातीय पद हैं, तो -4 × 3 = 7x बनेगा, और प्लस कितना 1। तो आप लोग देख लीजिए कि यही प्रश्न में दिया है कि दूसरा दिया है, यही दिया है 12x²-7x+1। तो कहने का मतलब बेटा कि जब हम दो या दो से अधिक बहुपद व्यंजकों का आपस में गुणा करते हैं तो प्राप्त परिणामी बहुपद व्यंजक गुणन या गुणन फल कहलाता है, और जिनका हम आपस में गुणा करते हैं वे गुणन या वे गुणनखंड कहलाते हैं, गुणनखंड। अर्थात देखिए 3x-1 × 4x-1 ये आपका गुणनखंड हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल पुनः मैं आप लोगों को इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 में जो शेष 3 प्रश्नों में आपको और गुणनखंड सीखना है उसको हम आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।